हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरटीएस स्टडी में। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे करेंट अफेयर्स के एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि टॉपिक है महत्वपूर्ण खेल पुरस्कार 2022। ये आपको खेल पुरस्कार फरवरी 2022 तक अपडेटेड है, जो कि आपको सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। हर एग्जाम में आपको इससे क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि पुरुष अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 किस देश ने जीत लिया है। यह जो पुरुष 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 यह भारत ने जीत लिया है। और बात किया जाए कि इसका उपविजेता कौन रहा है, तो इसका उपविजेता इंग्लैंड ने रहा है। और इसका आयोजन किया गया सर विवियन रिचर्ड स्टेडियम एंटीगुआ में इसका आयोजन किया गया। और बात किया जाए कि भारत ने कब कब यह पुरुष अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप जीता है, तो यह 2000 ईस्वी में, 2008 में, 2012 में, 2018 और 2022 में यह भारत ने पुरुष अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप जीत लिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 84वां टाटा स्टील चेस चैंपियनशिप 2022 किसने जीत लिया है। तो यह जीत लिया है मैग्नस कार्लसन नॉर्वे ने, यह जीत लिया है। और बात किया जाए कि उपविजेता यह रहा है, तो उपविजेता यह फेबियानो कोरुआना यूएसए, यह इसका उपविजेता रहा है। और बात किया जाए कि इसका आयोजन कहाँ हुआ, तो यह बीजिंग आनजी नीदरलैंड में इसका आयोजन किया गया। और भारत के अर्जुन इरिगैसी ने टाटा स्टील चांसलर ट्रॉफी जीत लिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है महिला एशियाई हॉकी कप 2022 में किस देश ने गोल्ड मेडल जीता है, तो यह जीता है जापान ने गोल्ड मेडल जीता है। और बात किया जाए उपविजेता कौन रहा है, तो साउथ अफ्रीका उपविजेता रहा है और यह सिल्वर मेडल ने जीता है। और भारत ने कांस्य पदक जीता है। और इसका आयोजन सुल्तान काबूस स्पोर्ट स्टेडियम मास्क ओमान में इसका आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन समझते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि महिला एशियाई फुटबॉल कप 2022 खिताब की विजेता टीम कौन बनी है, तो यह बनी है चीन बनी है। और इसका उपविजेता टीम रही है साउथ अफ्रीका रही है। और इसका फाइनल मैच खेला गया है तो DY पतली स्टेडियम या नवी मुंबई में इसका फाइनल मैच खेला गया। और 2023 फीफा वुमेन वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो यह जो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन जयपुर राजस्थान भारत में किया गया। और बात किया जाए कि फर्स्ट सेकेंड कौन है, तो फर्स्ट है नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में है। और सेकेंड में है कि मेलबोर्न क्रिकेट स्टेडियम जो ऑस्ट्रेलिया में। और थर्ड यहीं उद्घाटन किया गया है, जयपुर क्रिकेट स्टेडियम जयपुर राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन समझते हैं। तो अगला क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस चैंपियनशिप 2022 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो यह राफेल नडाल ने जीता है। यह कहाँ से है, तो स्पेन से है राफेल नडाल। और इसका उपविजेता डेनियल मेडवेडेव जो रूस के है, इसका उपविजेता रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस चैंपियनशिप 2022 का महिला एकल का खिताब किसने जीता, तो यह जो ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस चैंपियनशिप 2022 का महिला एकल का खिताब यह जीता है, तो एस्ले बार्टी ने जीता है, यह ऑस्ट्रेलिया से है। और इसका उपविजेता रहा है तो डेनियल कोलिंस ने, जो यूएसए से, इसका उपविजेता रहा है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला यूनिकॉर्न खेल उद्यम कौन सी टीम बनी है, तो जो भारत का पहला यूनिकॉर्न खेल उद्यम टीम बनी है, तो यह चेन्नई सुपर किंग्स बनी है। तो इसका आंसर होगा चेन्नई सुपर किंग्स। और इसका मार्केट वैल्यू है 7600 करोड़, इसका मार्केट वैल्यू है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 किस टीम ने जीता है, तो यह जो 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 यह लद्दाख टीम ने जीत लिया है। और यह कहाँ आयोजन इसका किया गया, तो हिमाचल प्रदेश में इसका आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी कहाँ स्थापित की गई है, तो यह जो भारत की जो पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी जो लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई है। दोस्तों, आपको जितने भी भारत की पहली से संबंधित हो या विश्व के पहली से संबंधित हो, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको ये याद रखना है, जो कि भारत की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी जो स्थापित किया गया लखनऊ उत्तर प्रदेश में किया गया। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसने दूसरा वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 जीता है, तो यह जीता है PR श्रीजेश ने जीता है, जो कि हॉकी प्लेयर केरल से है। आपको इमेज में दिख रहा होगा, यही PR श्रीजेश है जो कि हॉकी प्लेयर है, यह केरल से संबंधित है। और इसका जो पहला जो गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 जीता है, तो यह पहला रानी रामपाल जो हॉकी प्लेयर हरियाणा का है, ये पहला जीता है। अगला क्वेश्चन है
कि सैयद मोदी बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है। तो यह जो सैयद मोदी बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 का महिला एकल का खिताब यह पीवी सिंधु ने जीता है। आपको इमेज में दिख रहा होगा यही पीवी सिंधु इन्हीं ने सैयद मोदी बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 का महिला एकल का खिताब जीत लिया है। और बात किया जाए कि इसका उप विजेता कौन रहा है, तो इसका उप विजेता यह रहा है मालविका भंसोड, इसका उप विजेता रहा है। और इसका आयोजन किया गया बाबू बनारसी दास इंदौर स्टेडियम लखनऊ में इसका आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है कि एशेज सीरीज क्रिकेट कप 2021-22 का खिताब किस टीम ने जीत लिया है। तो यह जो एशेज सीरीज क्रिकेट कप 2021-22 का खिताब यह ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है। तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। और बात किया जाए कि इसका उप विजेता कौन रहा है, तो इसका उप विजेता इंग्लैंड रहा है और इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि फार्मूला वन चैंपियनशिप 2021 का खिताब किन होने जीत लिया है। तो यह जो फार्मूला वन चैंपियनशिप 2021 का खिताब यह मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। आपको इमेज में दिख रहा होगा यही मैक्स वर्स्टैपन है जिन्हें फार्मूला वन चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीत लिया है। और यह आयोजन अबू धाबी यूएई में किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि BWF जूनियर रैंकिंग के अंडर 19 जूनियर सिंगल्स में पहला स्थान किसे मिला है। तो BWF जूनियर रैंकिंग के अंडर यह पहला स्थान यह तस्नीम मीर को मिला है। आपको इमेज में दिख रहा होगा ये तस्नीम मीर इन्हीं को BWF जूनियर रैंकिंग के अंडर 19-20 जूनियर सिंगल्स के में पहला स्थान मिला है। और बात किया जाए कि BWF का फुल फॉर्म क्या होता है, तो BWF का फुल फॉर्म होता है कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के 73वें चेस ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं। तो जो भारत के 73वें चेस ग्रैंड मास्टर यह बन गए हैं, तो यह भरत सुब्रमण्यम बन गए जो तमिलनाडु से है। आपको इमेज में दिख रहा होगा यही भरत सुब्रमण्यम है जो तमिलनाडु के जो भारत के 73वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, चेस ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। और बात किया जाए कि 17वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो यह राजा ऋत्विक जो तेलंगाना से है यह 17वें बने हैं। और 71वें कौन बने हैं, तो 71वें है कि संकल्प गुप्ता बने, कौन, तो संकल्प गुप्ता जो महाराष्ट्र से है। और 72वें बने हैं तो मित्राभा गुहा बने हैं जो वेस्ट बंगाल से, और 73वें यही बने हैं भरत सुब्रमण्यम जो तमिलनाडु से है। अगला क्वेश्चन है कि इंडियन प्रीमियर लीग 2022-23 सीजन के लिए टाइटल प्रायोजक किसे चुना गया है। तो जो IPL है जो 2022-23 के लिए जो प्रायोजक चुना गया है, तो यह टाटा ग्रुप के चुना गया है। जबकि 2021 में IPL टाइटल वीवो था और 2022-23 होगा जिसमें टाटा ग्रुप होगा। अगला क्वेश्चन है कि 11वीं हॉकी इंडियन सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप पिंपरी चिंजवर 2021 का खिताब किसने जीता है। तो यह पंजाब हॉकी टीम ने जीता है और इसका उपविजेता रहा है उत्तर प्रदेश हॉकी टीम रहा है और इसका आयोजन पुणे और महाराष्ट्र में किया गया है। अगला क्वेश्चन है टेनिस का डेविस कप 2021 का खिताब किसने जीता है। तो यह टेनिस का डेविस कप 2021 का खिताब रूस ने जीता है और इसका उपविजेता रहा है तो क्रोएशिया इसका उपविजेता रहा है और इसका आयोजन मैड्रिड स्पेन में किया गया। और इसको कहा जाता है रशियन टेनिस फेडरेशन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन समझते हैं कि सीनियर महिला क्रिकेट चैंसलर ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किसने जीता है। तो यह जीता है इंडिया ए ने जीता है और इसका उप विजेता इंडिया डी रहा है। इसका आयोजन विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में किया गया है। अगला क्वेश्चन समझते हैं, तो अगला क्वेश्चन है ACC अंडर 19 एशिया क्रिकेट कप 2021 का खिताब किसने जीता है। तो यह जो ACC अंडर 19 एशिया क्रिकेट कप का खिताब जीता है तो भारत ने जीत लिया है और इसका उपविजेता रहा है तो श्रीलंका इसका उपविजेता रहा है और इसका आयोजन दुबई में किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि विजय हजारे क्रिकेट कप 2021 का खिताब किसने जीता है। तो हिमाचल प्रदेश ने विजय हजारे क्रिकेट कप 2021 का खिताब जीत लिया है और इसका उपविजेता तमिलनाडु रहा है और इसका आयोजन सवाई मानसी स्टेडियम जयपुर में किया गया। अगला क्वेश्चन समझते हैं, राष्ट्रीय बिलियर्ड्स 2021 का खिताब किसने जीता है। तब पंकज अडवाणी जीता जो कि पुणे से है। आपको इमेज में दिख रहा होगा यही पंकज अडवाणी है जिन्होंने राष्ट्रीय बिलियर्ड्स 2021 का खिताब जीत लिया है और इसका उप विजेता ध्रुव सितवाला रहे हैं और इसका आयोजन भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया है। अगला क्वेश्चन समझते हैं, तो अगला क्वेश्चन है सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किसने जीता है। तो यह तमिलनाडु ने जीता है और इसका उप विजेता कर्नाटक रहा है और इसका आयोजन दिल्ली में किया गया
गया। तो दोस्तों ये था आपको 2022 फरवरी तक अपडेटेड महत्वपूर्ण खेल पुरस्कार, जो कि आपको सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। और आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम दीजिए, जैसे कि आपको रेलवे ग्रुप डी, NTPC या SSC का, या CGL, आपको MTS या जो भी आपको देना है, जो 1 डे एग्जाम होता है, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से आपको देखने को क्वेश्चन जरूर ही मिलता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और आपको बता दूं दोस्तों, इस चैनल पर आपको करेंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके से संबंधित ही क्वेश्चन कराया जाता है, इसलिए आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा ये चैनल है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।